यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ सौरिख मार्ग पर बसों में स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह से मौत का सफर कर रहे हैं, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 50 से 60 लोगों के बैठने की जगह में करीब 100 से ज्यादा लोग अंदर से लेकर बाहर बस में घुसे हुए भरे हैं। जो अंदर घुस नहीं पाए वह बाहर दरवाजे पर लटके हैं। बहुत सारे लोग बस की छत पर चढ़े हैं और हद तो तब हो गई जब बस के पिछले हिस्से में जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती वहां जरा सी जगह पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा छात्र जोखिम भरा सफर कर रहे हैं। हैरानी की बात तब सामने आ गई जब स्थानीय प्रशासन सब कुछ जानकर भी यहां अनजान बना रहा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मामला एआरटीओ के संज्ञान में आया तो एआरटीओ इजिया तिवारी ने बताया कि मेरे पास एआरटीओ प्रवर्तन का चार्ज नहीं है, फिर भी मामला गंभीर है, मामले में तत्काल जांच कर कार्यवाही के आदेश कर दिए गए हैं। वहीं मामले में एआरटीओ प्रभारी प्रवर्तन राम बाबू ने बताया कि मामले में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। यह बहुत ही खतरनाक सफर है और बच्चों को भी इस बारे में समझाने के प्रयास किए जाएंगे। बस संचालक के ऊपर भी कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। वहीं मामले में एआरटीओ ने अपील भी की है कि कोई भी इस तरह का सफर ना करे जिससे उसकी जान का जोखिम हो। अभी मामले का संज्ञान मेरे पास नहीं है। अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि कोई बस है जिसमें ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, जितने बैठना अलाउड है उससे ज्यादा लोग उसमें बैठे हैं, तो मामले पर कार्यवाही करी जाएगी और गाड़ियों के संबंध में प्रवर्तन संबंधित जो भी कार्यवाही करनी है वो हमारे एआरटीओ प्रवर्तन श्री राम बाबू दोहरे जी हैं, तो उनके पास चार्ज है तो वो देख रहे हैं और इस मामले पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या दो लोग का अपॉइंट हो गया? हाँ, मेरे पास अभी प्रशासन का चार्ज है, इसलिए ऑफिस संबंधित जो भी काम है उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगी। आई विल बी द पर्सन टू कम टू, लेकिन प्रवर्तन संबंधित जो भी काम है उसके लिए हमारे प्रवर्तन अधिकारी जो है वो श्री राम बाबू दोहरे जी हैं। जो गाड़ियों संबंधित दिक्कतें हो, हाँ जी तो बट का ये वीडियो वायरल हुआ है इसमें छात्र ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसे में कुछ जागरूकता की भी जरूरत थी क्योंकि छात्र हैं वो पैसे बचाने के लिए पैसे नहीं होते तो उनकी भी गलती नहीं कही जाएगी, बस वाले भी कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं, तो कुछ जागरूकता भी इस तरह का अभियान चलाया जाए ताकि एक मैसेज जाए और लोग इसको समझें कि अपनी जान से खिलवाड़ ना करें। जी, परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा से संबंधित विद्यालयों में और अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं जागरूकता से रिलेटेड ही, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। महीने में कोशिश रहेगी कि कम से कम दो बार विद्यालयों में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएं, रैलियां निकलवाई जाएं और सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जाए। उसके अलावा मेरी अपील कन्नौज में रहने वाले सभी नागरिकों से भी है, जनता से भी है कि आप अपनी जान की जिम्मेदारी स्वयं भी लें, इस तरीके से इतने हजार्डस तरीके से ट्रैवल करने से बचें। और अगर मीडिया कर्मियों से भी मेरी अपील है कि अगर आप में से किसी को भी पता चलता है कि कोई ऐसा वायोलेशन हो रहा है तो आप विभाग के अधिकारी यहाँ पर जनता के लिए हर समय तत्पर है मदद करने के लिए, हमारे संज्ञान में लाए, हम उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे।